गुड आफ्टरनून आल ऑफ यू एसआरसी की ऑनलाइन क्लासेस में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम सेकंड सेमेस्टर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, तो उसी पर आधारित हमारा ये वीडियो ये टॉपिक है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहला है आपका भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता। तो जैसे हमने आपसे बताया था कि हमारा भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसमें कम से कम 68% जनसंख्या, लगभग 68% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। उनका मुख्य व्यवसाय ही कृषि है और वो अपना जो है मुख्य व्यवसाय जीवनोपार्जन साधन के रूप में कृषि का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस कृषि का क्या विशेषता है, भारत में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता है आपकी मौसम पर निर्भरता। क्या है पहली विशेषता? मौसम पर निर्भरता। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है कि कृषि जो है लगभग मौसम पे निर्भर करती है। इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कृषि क्या है कि टाइम में भारत देश जो है विकास कर रहा है, लेकिन अभी विकास के क्षेत्र में उतना अभी नहीं हुआ है, उसमें सिंचाई के संसाधन इतने डेवलप नहीं हुए हैं, जिसके कारण आज भी भारत की जो कृषि है वो मौसम पर निर्भर करती है। और जिस वर्ष वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, समय से होती है, तो हमारी कृषि उस साल बहुत अच्छी आउटपुट देती है। जिस वर्ष जो है कृषि उतने अच्छे से हमारे मौसम उतने अच्छे नहीं होते हैं, वर्षा उतनी अच्छी नहीं होती है, उस वर्ष जो है हमारी कृषि को बहुत सारे हार्म होते हैं, जिसके कारण उत्पादकता पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे बाढ़ हुआ या किसी भी प्रकार की, जैसे बाढ़ हुआ, तूफान हुआ, इन सब के चलते बारिश, बिन मौसम बारिश हुई, इन सब के चलते अगर मौसम पर कोई भी कुप्रभाव देखने को मिलता है, तो उसका प्रभाव हमारा सीधा कृषि पर पड़ता है। कि कृषि, तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि हमारे मौसम का हमारी कृषि पर प्रभाव पड़ता है, और वो हमारी कृषि जो है मुख्यतः मौसम पर निर्भर है और उसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। जैसे धान की खेती होती है तो मैक्सिमम क्या होती है, सिंचाई के संसाधन की उतनी उपलब्धि नहीं हो पाती है। यहाँ ये कह सकते हैं कि बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ के जो है जल स्तर बहुत नीचे है, तो वहाँ पे पंप सेट वगैरह जो है आपके उतनी अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती सिंचाई के लिए। बाढ़ के लिए हमारे जो नदियों से जल का उपयोग किया जाता है, उनका उचित दोहन नहीं कर मिलता है, जिसके चलते कृषि हमारी वर्षा से मिलने वाले जल पर निर्भर करती है। तो ये टॉपिक है कि हमारा मौसम पर निर्भरता हमारी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। जिस वर्ष मौसम अच्छा होता है, समय से जो भी जितने भी मौसम है हमारे सर्दी गर्मी और बरसात जो है जिस वर्ष सभी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, अच्छे से होते हैं, उस वर्ष कृषि में उत्पादकता अधिक होती है। जिस वर्ष किसी भी मौसम में कुप्रभाव देखने को मिलता है, जैसे बरसात के मौसम में अगर ओले पड़ गए, तूफान आ गए, बाढ़ आ गई, और इन सब चीजों में मौसम का प्रभाव देखने में देखता हमारी को नुकसान होता है फसल का। गर्मी अगर वर्षा जो है ठंडी का मौसम है, अगर ठंडी के मौसम में कोहरे की अधिकता हो जाती है, तो भी हमारी पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि मौसम पर निर्भरता देखने को मिलती है। और दूसरा है आजीविका का साधन। दूसरा क्या है कृषि की मुख्य विशेषता है? आजीविका का साधन। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारे देश में क्या है कि जो है जो आधे से अधिक जनसंख्या ग्राम में निवास करती है, उसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, और वो कृषि के रूप में कार्य करके अपने जीविका का पालन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आजीविका के साधन में हमारी कृषि देखने को मिलता है। फिर तीसरा है हमारा उपभोग खाद्य को बढ़ावा। क्या? उपभोग खाद्य को बढ़ावा।
खाद्य के बढ़ावा का मतलब है कि भारत की जो कृषि है उसमें मुख्यतः क्या होता है कि व्यावसायिक कृषियों की कमी है, जिसमें लोग ज्यादातर अपने अपने उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करना पसंद करते हैं। मुख्यतः क्या करते हैं कि जो उनके उपभोग योग्य है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं और उन्हीं का वो उपभोग करते हैं, तो वो व्यावसायिक कृषि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी हमारी जो नकदी फसलें हैं उनका जो है कम से कम उत्पादन करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनकी प्राथमिक आवश्यकता होती है कि जो उनकी आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं उनका उनका जो है वो उत्पादन करते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है कि वो जो खाद्य है हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं गेहूँ चावल दाल, इनका उत्पादन करने पर वो बढ़ावा देते हैं, जबकि जो हमारी व्यावसायिक फसलें हैं नकदी फसलें हैं उनको उनके उत्पादन पर वो ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा यंत्रीकरण। क्या है यंत्रीकरण? कृषि में यंत्रीकरण की कमी देखने को प्रेजेंट टाइम क्या है कि हमारा देश कितना भी विकास कर लिया हो लेकिन हमारे देश में अभी विकसित देशों की अपेक्षा यंत्रों की कमी देखने को मिलती है। वर्तमान समय में क्या है कि कृषि में अभी हमने आपसे बताया कि उसमें क्या है मौसम की निर्भरता। मौसम पे निर्भरता क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो है पंपिंग सेटों का अब इस्तेमाल बराबर किया जाने लगा है। हम जो है नदियों से सिंचाई के बजाय पंपिंग सेट पे आ गए हैं, लेकिन अभी हर घर में पंपिंग सेट की उपलब्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पे गरीबी की अधिकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यंत्रीकरण की कमी देखने को मिलती है। यंत्रीकरण की कमी से जो है कि कृषि कार्य जो भी कृषि कार्य है उसमें यंत्रों का प्रयोग यंत्रों का कम प्रयोग होता है। गाँव में क्या होता है कि बैलों के द्वारा खेत की जुताई होती है, उसके बाद फावड़े का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे विकसित देश जो है वहाँ पे किसी भी कार्य को करने के लिए हर प्रकार की मशीन की उपलब्धि वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, जिससे वो किसी भी कार्य को कम समय में और ज्यादा आउटपुट देकर करने में सफल होते हैं। इसलिए वहाँ की जो विकसित देश है वहाँ की कृषि की अपेक्षा हमारी कृषि काफी पीछे है, और जो है वहाँ पे यंत्रीकरण की अधिकता होने के कारण उत्पादकता भी अच्छी होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि यंत्रीकरण की कमी हमारी कृषि में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में जुताई के लिए जो है ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन क्या होता है कि अब भी बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, गरीब किसान ऐसे हैं जो कि कृषि का कार्य अपने जो है बैलों के द्वारा करते हैं। तो यह है कि यंत्रीकरण की हमारी कृषि में काफी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चौथा टॉपिक जूतों का छूटा आना। क्या हमारा अगला दिन क्या है? जूतों का छूटा आना। जूतों का छोटा आकार का मतलब है कि जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि हमारे जो है देश में लगातार खेतों का अपखंडन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो है हमारे देश में परिवार लगातार विभाजित हो रहे हैं, जिसके कारण कृषि का भी बंटवारा हो रहा है, जिसके कारण हर घर में जो है दो तीन भाई होने के कारण कृषि को छोटे छोटे आकारों में जूतों में बांट दिया जाता है। तो कृषि का छोटा जूत होने के कारण क्या होता है कि आपके जो है बहुत मात्रा में कृषि करने में खेत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे व्यवसायिक कृषि करने में समस्या उत्पन्न होती है। व्यवसायिक कृषि के लिए क्या होता है, अगर आपको गन्ने की जैसे व्यवसायिक कृषि हमारी गन्ना है, तो गन्ने का अगर हमें उत्पादन करना है उसके लिए बड़े खेत की आवश्यकता होती है, छोटे खेत में हम उसका उत्पादन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमें उसके लिए बड़े खेत की आवश्यकता होती है, जबकि परिवार विभाजन के कारण लगातार क्या हो रहा है खेतों का भी विभाजन हो रहा है और खेतों का आकार छोटा हो रहा है। छोटा होने के कारण लोग क्या करते हैं कि प्राथमिकता देते हैं कि वो खाद्य पदार्थ जो दैनिक उपयोग में है पहले उसको उत्पादित करें, फिर जाके व्यवसायिक कृषि करें। जबकि क्या होता है कि आकार हमारे जो है छोटे के छोटे रह जाते हैं, तो व्यवसायिक कृषि नहीं कर पाते खाद्य पदार्थों का ही उत्पादन करने में।
उनका समय उनका खेत समाप्त हो जाता है। तो ये और आपका नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादकता में कमी। उत्पादकता में कमी भारतीय कृषि ये भी एक प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पे उत्पादकता में कमी देखी जाती है, चाहे वो हम समग्र रूप से उत्पादकता ले लें और चाहे वो हम ले लें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। हमारे देश में जो है विकसित देशों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी देखने अन्य देशों में क्या होता है कि हमारे विकसित जो देश है वहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि हमारे देश में यंत्रीकरण की कमी या अच्छे प्रकार की बीज की उपलब्धि न होने के कारण या उर्वरक अच्छे से उपलब्ध है देखभाल की कमी हो जाने के कारण या कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण हमारी जो उत्पादकता है उस हिसाब से जितनी उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन हो नहीं पाता है। तो हम कह सकते हैं कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश के प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो कम होता है। तो उत्पादकता में कमी हमारे देश में देखने को मिलती है कृषि में। उसके बाद हमारा टॉपिक है तापमान। तापमान जो है हमारा जलवायु तथा जलवायु तथा मिट्टी का जलवायु तथा मिट्टी का प्रभाव भी हमारी कृषि पर पड़ता है। क्या होता है, माना जाता है कि दोमट मिट्टी जो कि भारत में 24% पाई जाती है, हमारे भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं उसमें 24% दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह उत्पादकता के लिए कुछ उत्पादन के लिए गेहूं धान की खेती के लिए काफी लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ कृषि इस मिट्टी में भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये कहा जाता है कि हमारी मिट्टी भी हमारे जो है उत्पादन को प्रभावित करती है। जैसे क्या होता है कि राजस्थान का एरिया होता है तो राजस्थान में क्या है बलुई मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी के कारण वहाँ पे गेहूं की खेती नहीं हो पाती है। जबकि क्या है कि हमारे यहाँ वहाँ पे सरसों की खेती अच्छी होती है। तो इस प्रकार से मिट्टी का प्रभाव भी उत्पादकता पर देखने को मिलता है कि हर जगह अच्छी मिट्टी ना होने के कारण किसी भी किसी एरिया में अच्छे किसी वस्तु की उत्पादकता अच्छी होती है, किसी एरिया में किसी दूसरे वस्तु की उत्पादकता अच्छी होती है। तो ये मिट्टी का भी प्रभाव हमारी भारतीय कृषि पर पड़ता है। उसके साथ साथ जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात जैसे क्या होता है जहाँ पे बारिश हर मौसम हर समय बारिश होते रहते हैं वहाँ पे ऐसी जिन खाद्य पदार्थों के में जल की आवश्यकता ज्यादा होती है जैसे धान की खेती वहाँ पे उनकी खेती अच्छी होती है, लेकिन जिन जो है तत्वों में या जिन पदार्थों में जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती है अगर वहाँ पे उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो वहाँ पे उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये होता है कि हमारे जलवायु और मिट्टी का भी प्रभाव कृषि भारतीय कृषि को में देखने को मिलती है और ये हमारे उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी विशेषता थी कि हमारे भारतीय जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लगभग 21% जितनी भी भूमि है हमारी उसमें से 21% भूमि पर भी कृषि का कार्य हो पाता है, बाकी और सारी हमारी जितनी भी पृथ्वी है सारी पृथ्वी पर कृषि का कार्य कृषि योग्य मिट्टी हर जगह पाई नहीं जाती है। तो इतने में ही हमारे जो है उत्पादन का कार्य हो सकता है। तो ये सब हमारे प्रभाव हमें देखें कि भारतीय कृषि की ये सब प्रभाव डालते हैं और ये इस हिसाब से यहाँ की विशेषता है कि जो कि उत्पादकता को प्रभावित करता है। और ये सब कृषि भारतीय कृषि के इसके अतिरिक्त और भी विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की कम उत्पादकता पाई जाती है यहाँ पे। फिर जो है क्या है कम उत्पादन जितना की प्रति हेक्टेयर में उत्पादन होना चाहिए उतने हमारे गाँव में प्रति हेक्टेयर उत्पादन नहीं हो पाती है। तो ये सारे तत्व थे जो कि हमारी कृषि की
करते हैं आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट।